ये देखिए हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, राम राम, ससरियाकाल एंड सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी नई वीडियो में। तो अभी मैं खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ सूरज कुंड मेले में, जो कि लगता है फरीदाबाद में। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। तो समालखा से मैंने ली थी ट्रेन जो कि पुरानी दिल्ली आ गई थी। तो पुरानी दिल्ली से हम अगली ट्रेन ले रहे हैं जो कि जाएगी फरीदाबाद तक। लेकिन हम फरीदाबाद से एक स्टेशन पहले तुगलकाबाद उतरेंगे हम। तो ये जो है ट्रेन, इसी में चल रहे हैं, ये रही ट्रेन। तो यही ट्रेन है जो हमें छोड़ने वाली है तुगलकाबाद स्टेशन तक। तो चलते हैं तुगलकाबाद स्टेशन तक, फिर आगे जाके आपको बताते हैं कि कहाँ से कहाँ पे हम आगे जाएंगे। तो बने रहना वीडियो में। जिस ट्रेन में जा रहे हैं पुरानी दिल्ली से तुगलकाबाद या फरीदाबाद, तो उसके अंदर का दृश्य दिखाता हूँ कि जनरल ट्रेन में आपको कैसे कैसे लोग मिलते हैं अलग अलग। देखिए कैसे आपको भीड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल इसमें भीड़ ना के बराबर है। ये देखिए सभी लोग अपनी सीट पर बैठे हैं। ये देखिए पैसेंजर, ये जनरल ट्रेन है जो कि जाती है पुरानी दिल्ली से फरीदाबाद मथुरा तक जाती है। ये देखिए सामने तक, सामने का डब्बा बंद है। अभी उतर चुके हैं तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पे। तो इस ट्रेन में आए थे जो आपको सामने ट्रेन दिखाई दे रही है। तो अभी बजे हुए हैं शाम के 6। तो 6 बजे हम तुगलकाबाद स्टेशन पे उतरे हैं। अभी यहाँ से आगे देखते हैं कि आगे ऑटो मिलते हैं, कितना चार्जेस है। तो जो कुछ भी होता है बाहर जाके बताता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं स्टेशन से बाहर की तरफ। स्टेशन से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो जाते हुए कुछ पंगे भी देखने को मिल गए हैं। कुछ लफड़ा सा हो गया यहाँ पे, पता नहीं टिकट का हो गया क्या कुछ हो गया। तो ये देखिए सामने, ये लफड़े भी आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। इसी के चक्कर में ट्रेन का स्टॉप टाइम भी बढ़ गया। ये देखिए तो देखिए लोग किस प्रकार से देख रहे हैं बाहर की, क्या लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या पंगे हो गए हैं। स्टेशन से बाहर आ गए हैं, देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है तुगलकाबाद। तो बाहर का कुछ इस प्रकार से एरिया है यहाँ। तो ये ऑटो वाले खड़े हैं, एक ही ऑटो वाला खड़ा है। तो इससे जानकारी लेते हैं कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। जा रहा है ये भाई, जा रहे हो सूरज कुंड मेले में, नहीं पता। तो ये देखिए, ये जो स्टेशन से यदि आप बाहर की ओर आएंगे तो यहाँ जो ऑटो खड़े हैं इनको सूरज कुंड मेले का नहीं पता है। तो यहाँ से अवॉइड करना स्टेशन के बाहर से। तो अभी चलते हैं मेन रोड की तरफ, जो NH है उस पे जा रहे हैं हम यहाँ से बाहर की ओर। सूरज कुंड जाओगे? क्या लोग? 3 बड़े हैं, 2 बच्चे हैं। कितने रुपए? कहाँ पे? सूरज कुंड मेले में। मेले में 20 रुपये सवारी। 20 रुपये सवारी। ये देखिए ये स्टेशन के बाहर का ये एरिया, ये देखो। तो ये ऑटो वाले हैं, ये 20 रुपये सवारी ले रहे हैं सूरज कुंड मेले तक जाने के लिए। अभी अंदर आके दोबारा से स्टेशन मास्टर से इंक्वायरी करी है, तो उन्होंने बता दिया पैदल पैदल का रास्ता कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 पुल आएंगे, तो जो सेकंड वाला पुल है उस पर क्रॉस करके दूसरी तरफ में चले जाना प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। तो वहाँ से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट लगती है यहाँ से तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन से। तो 30 मिनट में आप सूरज कुंड मेले में पहुँच जाएंगे। तो अब हम अंदर आ गए हैं वापस, और देखो प्लेटफॉर्म पर हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो जा रहे हैं पुल नंबर 2 की तरफ, उसको क्रॉस करके जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइड, और वहाँ से फिर मेन रोड की निकल जाएंगे मेन रोड की साइड में। तो अभी चलते हैं वहीं पे ही। तो अब बाहर नहीं गए हैं, बता देना चाहता हूँ, ना हमने ऑटो करा ना कुछ करा, पैदल ही जा रहे हैं हम। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ दूसरे नंबर वाला पुल कौन सा। ये वाला पुल नंबर 1 है, और वो जो सामने एक और दिखाई दे रहा है वो है
पुल नंबर 2, तो उसी के ऊपर ही जा रहे हैं और वहाँ से साइड में निकल जाएंगे हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइड में। ये देखिए, और ये कुछ स्टेशन का दृश्य है, ये देखिए पीछे। ये पुल है जिसके ऊपर जा रहे हैं, जो बताया था पुल नंबर 2, ये देखिए, और वहाँ जाना है हमने, इसके ऊपर जा रहे हैं अब हम। ये नीचे देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, वहाँ से आ रहे हैं हम। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी नहीं जाना, यही वाला जो पुल है यही आपको सामने तक ले जाएगा, यानी कि बिल्कुल बाहर की ओर निकाल देगा। ये देखिए सामने काफ़ी लंबा ये पुल, तो इसके ऊपर ही चल रहे हैं हम। वैसे तो रास्ता मैंने समझाने की काफ़ी अच्छी कोशिश करी है, यदि फिर भी डाउट हो या कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। पुल से नीचे आ गए हैं और ये बाहर आके कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सामने फ्रंट की साइड में आपको 2 ATM देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ से जाना है अब मेन रोड की साइड में, जिसके लिए आपको लेना होगा यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना होगा। यहाँ से कोने पे आरक्षण के अंदर लिखा हुआ है, बस यहीं से ही आप मोड़ काट के चले जाना लेफ्ट में। यहाँ से आगे जाके राइट टर्न ले लेना, एक लेफ्ट लिया था जहाँ पर आरक्षण के अंदर लिखा हुआ था, आगे जाके राइट लिया है। ये तो वैसे ही बता रहा हूँ मैं, जो लोग वैसे ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो गूगल मैप लगा देना। ऊपर की तरफ देखो हवाई जहाज़ भी जा रहा है, क्योंकि यहीं पर ही आसपास में एयरपोर्ट भी पड़ता है। ये देखिए यहाँ मेन रोड पे पहुँच गए हैं, तो मेन रोड पे पहुँचने के बाद कुछ इस तरीके से साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद में पधारने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ से हम मेन रोड पे पहुँच गए हैं, वो देखिए सामने बसें चल रही हैं DTC की, और साइड में ये छोटे मोटे आपको ये विक्रेता भी देखने को मिलेंगे, यदि कुछ परचेज करना चाहते हैं फल फ्रूट यहाँ से। और ये रहा सामने मेन रोड। मेन रोड क्रॉस करके बिल्कुल सामने की तरफ आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए सामने, तो जस्ट सामने आ जाना रोड क्रॉस करके, बीच में रेड लाइट भी दी हुई है, ये देखिए सामने, तो यहाँ से आराम से क्रॉस हो सकते हैं आप। अभी ई रिक्शा कर लिया सूरजकुंड जाने के लिए, तो किराया लगे 10 रुपये, 10 रुपये पहुँचा देगा, और डिस्टेंस थी 2.5 किलोमीटर। यदि टाइम है तो आराम से भी आ जाना पैदल पैदल, नहीं तो ई रिक्शा कर लेना 10 रुपये का। तो साइड का नज़ारा दिखाता हूँ कि रश कितना है, क्योंकि ये सूरजकुंड वाला ही रोड है, तो पीछे रश था लेकिन अब जाके थोड़ा सा खुला हो गया, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस रोड का ही नाम है सूरजकुंड रोड। और ये भाई है जो लेके जा रहे हैं हमें, भाई आ रहे बोलो, ई रिक्शा ने इसी पॉइंट पे उतार दिया है, तो आगे अब जाने की परमिशन नहीं है ई रिक्शा को। कितनी दूर और जाना पड़ेगा मेले के लिए यहाँ से? सामने ही है, तो अब यहाँ पे ई रिक्शा ने उतार दिया, तो अब यहाँ से सामने की ओर जा रहे हैं पैदल पैदल। तो कह रहे हैं बस सामने जाते ही शुरू हो जाएगा मेला, यानी कि एंट्री शुरू हो जाएगी, तो जा रहे हैं सामने। ये देखिए सामने साइन बोर्ड भी आ गया, सूरजकुंड राइट हैंड साइड में है, फरीदाबाद लेफ्ट में है। ये देखिए सामने ऊपर की तरफ भी बोर्ड लगा हुआ है, सूरजकुंड राइट हैंड साइड में, यहाँ भी है लेकिन ये राइट हैंड साइड के नीचे किसी ने पोस्टर लगा दिया सूरजकुंड वाली साइड में। तो जा रहे हैं अभी यहाँ से सामने, राइट हैंड साइड में मुड़ जाएंगे सूरजकुंड के लिए, लेकिन सामने भी लाइटिंग है, तो दिखाता हूँ आगे जाके कहाँ पे जाना है हमने। ये देखिए बीच में जो चौक है कैसे जगमग किया हुआ है लाइटों से। पुलिस ही पुलिस है सामने, देखो
सिक्योरिटी है पूरी यहाँ पर, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का मेला है। ये देखिए कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पर। तो यहीं से ही रोड क्रॉस करके सामने आ गए हैं अंदर की तरफ। ये देखिए लाइटनिंग कैसे की हुई है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा जगमग एरिया है पूरा। अंदर घुसते ही लेफ्ट में सबसे पहले पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा। ये पीछे देखिए नीचे की तरफ ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, और राइट हैंड साइड में स्टॉल लगे हुए हैं। ये देखिए पार्किंग एरिया मेन गेट से अंदर घुसते ही, अभी एंट्री आगे की तरफ है और ये स्टॉल लगे हुए हैं सारे के सारे। ये देखिए पार्किंग एरिया बिल्कुल पास में आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये सारा पार्किंग एरिया है वहाँ पीछे से, और इसी पार्किंग एरिया के बिल्कुल सामने टिकट काउंटर है, सामने से टिकट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं पेटीएम से। पेटीएम में सूरजकुंड मेले की टिकट दी हुई है जिसका रेट है वीकडेज़ में 120 है 120 रुपये है, और वीकेंड पे 180 रुपये है। ये देखिए टिकट बूथ, ये सारे यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हैं। ये देखिए सामने टिकट बूथ लिखा हुआ है, यदि आप यहाँ आकर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आके भी ले लेना, नहीं तो ऑनलाइन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा आप लोगों को। और कॉलेज के जो होते हैं बच्चे या स्कूल के होते हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए भी है, दिव्यांग के लिए भी, ये ऊपर देख सकते हैं ये सारा कई कैटेगरी है जिनको इन्होंने 50% डिस्काउंट दिया हुआ है। और फ्रीडम फाइटर वालों के लिए फ्री में है, वार विंडो विद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इसके लिए फ्री में है। तो ये देखिए लोग लगे भी हुए हैं टिकट लेने के लिए, और ये सारा नीचे कागज ही कागज कर दिए हैं। ये तो देख रहे हैं इस तरीके से आपको टिकट मिलेगी, ऊपर वाली टिकट पे लिखा हुआ है 120 रुपीज़ जो कि एक अडल्ट की है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। नीचे वाली जो टिकट है ये 60 रुपये की है, तो इस पर डिस्काउंट करके मिला है, तो स्टूडेंट आई कार्ड से डिस्काउंट मिल जाता है 50%। तो देख सकते हैं इस तरीके की टिकट आपको देखने को मिलेगी, ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं और पेटीएम से भी ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर ये टिकट लेकर। ये यहाँ से एंट्री है लिखा हुआ है, जेंट्स अलग अलग में से जाना है, यहाँ पर टिकट चेक हो रही है यहाँ से। तो अभी यहीं से ही जा रहे हैं और टिकट चेक करवा रहे हैं, ये टिकट चेक करवा दी, अब जा रहे हैं अंदर यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से सिक्योरिटी चेक के लिए लगा हुआ है, मेटेलिक डिटेक्टर वगैरह होंगे, कोई हार्मफुल वस्तु ना हो आपके पास इसमें से गुजरना है। तो टिकट चेक करने के बाद यहाँ से, और यहाँ पे भी आगे वही पुलिस वाले खड़े हैं मेटल डिटेक्टर लेके जो कि चेकिंग कर रहे हैं। ये देखें यहाँ से हो गया मेटल डिटेक्टर के द्वारा सारी की सारी चेकिंग। ये देखिए सामने, और अब आ गए हैं अंदर। ये देखिए अंदर का नज़ारा, पूरा लाइटिंग ही लाइटिंग है। सबसे पहले आपको यहाँ का दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह का सारा सिस्टम है, और किस तरीके से यहाँ पे जगमग लाइट है। ये देखिए ये पूरा का पूरा सूरजकुंड मेला। चलेंगे अभी नीचे की तरफ, अभी मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। सामने स्टॉल लगे हुए हैं हर एक राज्य के लगे होंगे यहाँ पर सामने, तो वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको। और सामने ये देखिए मेन गेट भी सजाया हुआ है, अंदर एक और गेट है, वो वाला गेट है ये सामने अंदर। भैया जी इतना शर्माते क्यों हो? भैया जी शर्माते हैं, नहीं आना चाहते कैमरे पे। हाँ ये वाले अच्छे भैया हैं, ये देखो कैसे हो आप सब? बढ़िया है सर, ठीक हो? क्या नाम है आपका? हिमांशु पांडे नाम। हिमांशु पांडे जी कौन सी स्टेट से हो? उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का काउंटर है मेन है, क्या कुछ बेच रहे हो भाई? ये है बेडशीट, बेडशीट हैंडलूम की अपने हाथों से बनती है, ठीक है। तो ये हैंडमेड है, देख सकते हैं सारा का सारा हैंडलूम का काम है, और सारा का सारा बता रहे हैं हाथों से बना हुआ है। ये बैठे मालिक वो खड़े हमारे पीछे, इनके मालिक पीछे खड़े हैं जो हमारे, ये मालिक हैं
अपनी दुकान को छोड़ के दूसरे काउंटर पे ध्यान है इनका। ये देखिए घूमने गया था, घूमने गए थे। ठीक है जी, ये यहाँ के मालिक है। क्या नाम है जी मालिक जी आपका? कुणाल कश्यप। ये कुणाल कश्यप जी हैं जो ये है यूपी वाले काउंटर पे हैं।